हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएआर का फर्स्ट राउंड में किस रैंक पे कौन सा कॉलेजेस है वो अलॉट हुआ है। आज हमने लास्ट कल की डेट में सारे स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करने के बाद आपका एक फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है वो तैयार किया कि कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेजेस है वो अलॉटमेंट हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले अप्रोक्सीमेट इतनी रैंक तक, एवरेज इस रैंक तक आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो गई है। सेकंड राउंड का मैंने कट ऑफ बना दिया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या बेल आइकन पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अप्रोक्सीमेट कितनी रैंक तक जो है फर्स्ट राउंड में बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशरीज फॉरेस्ट्री एंड बीटेक के कोर्सेज अलॉट हुए हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज अभी स्टूडेंट्स को अलॉट हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी हमारे पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट हैं सबको थर्ड या फोर्थ राउंड को लगभग 90% की हम बात करें फोर्थ राउंड तक सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। क्योंकि लगभग 20% या 30% की हम बात करें तो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो चुकी है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज आपका कितनी रैंक तक कौन सा कोर्स है वो आपका अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ लगभग सेम गया है। ठीक है, और यदि उनको बीएससी एग्रीकल्चर की कट ऑफ की हम बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर जिनका 4500 से 5000 के अप्रोक्समेंट है उनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट कहीं ना कहीं उनको सीट अलॉटमेंट हो गया है। अब कौन सा अलॉट हुआ है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ओके, उसके बाद हम बात करें हॉर्टिकल्चर का, तो हॉर्टिकल्चर में आपका यदि रैंक है वो 7000 के अप्रोक्स है। ठीक है, 6 से 7000 के अप्रोक्स है इनको सीट अलॉटमेंट हो चुकी है। और वहीं हम बात करें फॉरेस्ट्री की, तो फॉरेस्ट्री की हम रैंक की बात करें तो 8900 या 9000 तक सीट है वो फॉरेस्ट्री के लिए अलॉटमेंट हो चुकी है। और वहीं हम बात करें दूसरे कोर्सेज के लिए, तो दूसरे कोर्सेज के लिए जो डाटा हमारे पास आया है उससे हम रिलेटेड बात करें तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का 10000 से। ठीक है, मैंने पहले भी कहा तो उसमें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में दो प्रकार के स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन लेते हैं जिनके पीसीबी हो जिनके पीसीएम हो। ठीक है, तो पीसीबी स्टूडेंट्स का कट ऑफ लो जाता है, मतलब उनका हाई रैंक तक भी सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाता, मतलब मान सकते हो कि 10000-11000 रुपये खत्म हो जाता है। जबकि मैथ से जो स्टूडेंट है तो उनका रैंक हाई है तो भी उनको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है वो अलॉटमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का 10 से 11000 तक सीट फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो चुका है, क्योंकि काफ़ी हाई इस बार गया है। लास्ट ईयर की कंपेयर करें तो काफ़ी हाई रैंक पर यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ये सीट अलॉटमेंट हो गई है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी साइंस की बात करें तो 11000 से 11500 तक, मतलब 10000 से 10.5 या 11000 तक आपको सीट अलॉटमेंट हुई है। उसके बाद हम बात करें फिशरीज की, 8800 से लेकर 9000 के अप्रोक्स उनको सीट अलॉटमेंट हो चुका है। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी जिसको मानते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स इसको प्रेफरेंस पे देते हैं, तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी 11000 से 11000 या 12000 तक यहाँ पे सीट अलॉटमेंट शो हुआ है। उसके बाद में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, तो 17000 से 18000 तक इनको सीट अलॉटमेंट हुआ है। वहीं हम फूड टेक की बात करें तो 15000 से 18000 तक ओबीसी जनरल एंड इंडिविजुअल कैटेगरी का हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सा कॉलेज किस रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है, किस रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। तो उसका हमारे पास जो डाटा शो हुआ है जिसे आप देख सकते हो कि सारे स्टूडेंट्स का कल नाइट में हमने डाटा आपको मेंशन किया था वो हम यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स को हॉर्टिकल्चर का सीट अलॉट हुआ है जो एससी कैटेगरी से, 16000 तक इनको जो है सीट अलॉटमेंट हुई है, जो कि हॉर्टिकल्चर कॉलेज का नाम है हॉर्टिकल्चर ऑफ साइंस बेंगलोर कर्नाटका, ये कॉलेज है वो 16000 तक अलॉटमेंट हुई है। उसके बाद में ओबीसी स्टूडेंट्स की बात करें तो 3000 तक उनको डॉक्टर बाला साहब अलॉट हुए आपको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद में हम बात करें एसटी कैटेगरी में तो 16000 तक इनको बीएससी एग्रीकल्चर 16000 तक इनको सीट अलॉटमेंट हुई है। वहीं ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में 7000 तक फिशरीज का यहाँ पे हॉर्टिकल्चर फिशरीज का सीट अलॉटमेंट दिखाया गया है। उसके बाद में हम बात करें आपका जनरल कैटेगरी के लिए तो 8000 तक इनको जो है फिशरीज का कोर्स अलॉटमेंट हुआ है, इन लोगों को अपग्रेड कर देना होगा। ओके, उसके बाद में हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो 8000 तक बीएससी एग्रीकल्चर का सीट अलॉटमेंट हुआ है। उसके बाद में आरपीसीयू की बात करें तो आरपीसी 5000 तक हॉर्टिकल्चर का कोर्सेस अलॉट हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें 1500 स्वतंत्र रैंक पे ओबीसी एग्रीकल्चर का सीट अलॉटमेंट हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। उसके बाद में बात करें 1009 से 9 तक यूएस बेंगलोर अलॉट हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। 6216 रैंक तक हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ है
फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, वो भी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो। ये सारे हमारे पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट हो जिनको सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड में हो चुका है। लगभग 25 स्टूडेंट को जो है वो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो चुका है, अभी बाकी को सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में हो ही जाएगा। ओके, तो उनको टेंशन में नहीं लेना। उसके बाद में एसटी कैटेगरी को 10,000 तक सीट अलॉटमेंट हुआ है, इंदिरा गांधी का कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद में 1300 बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हुई है और एसपी वीईटी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें आरएलपीसीयू 15,000 पे एससी कैटेगरी को हॉर्टिकल्चर का सीट अलॉटमेंट हुआ है। और उसके बाद में हम बात करें 5,730 बीएससी हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ है, वो भी वसंत राव कॉलेज, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस अलॉट हुए, काफ़ी कुछ और भी डाटा है जो हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। तो ये डाटा पे इनको हॉर्टिकल्चर फिशरीज फॉरेस्ट्री की कॉलेजेस है वो अलॉटमेंट हुई है। तो अप्रोक्सीमेट एक आइडिया माने तो 4,000 से 5,000 तक बीएससी एग्रीकल्चर का सीट और 7,000 तक हॉर्टिकल्चर का सीट अलॉटमेंट हुआ है। फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री की बात करें तो 8,000 या 9,000 तक ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए सीट अलॉटमेंट हुई है। वही हम बात करें आपका एसटी तक तो 16,000 तक सीट अलॉटमेंट हुआ है। उसके बाद में एससी कैटेगरी तक 16,000 तक अलॉटमेंट हुई है और एसटी कैटेगरी का हम लास्ट कोर्स माने तो 20,000 तक सीट अलॉटमेंट हुई है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट सभी स्टूडेंट्स को जिनका रैंक एससी एसटी में 30,000 से 35,000 तक है तो उनको सीट है, कहीं ना कहीं अच्छे कोर्सेस में सीट है, वो सेकंड थर्ड राउंड फोर्थ राउंड तक मिल जाएगा। काफी अच्छे राउंड्स होने वाले हैं लास्ट में, फिर और भी वैकेंट सीट पे राउंड्स होते हैं, तो उसके लिए हमारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो बने रहिए चैनल पे और ऐसे ही आपकी अप्रोक्सीमेट जो डाटा कलेक्ट करके आपको रियल अथॉरिटी कट ऑफ बताई जाएगी, तो उसके लिए चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।